दूसरे प्रांत की सीमा में अपनी स्कीम्स लागू कर सकता है, फिर कल को कर्नाटक कहेगा कि गोवा हमारा है, हम तो गोवा में ये स्कीम लागू करेंगे, तीसरा हरियाणा पंजाब में लागू कर देगा, तो पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की शिंदे सरकार जिस प्रकार से कर्नाटक के स्वाभिमान को चुनौती दे रही है, उसे लेकर 3 दिन तक तो बसवराज बोम्मई सोए रहे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जिनकी फोटो अब भाजपा ने भी अपने पोस्टर्स पर लगाने से इनकार कर दिया है। और वो जानबूझकर शिंदे जी कर्नाटक और महाराष्ट्र में विवाद पैदा कर रहे हैं। ये एक फिट केस है जहां आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके शिंदे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। श्री सिद्धारमैया, श्री डीके शिवकुमार ने सार्वजनिक तौर से कर्नाटक की अस्मिता को चुनौती देने वाले, भारत के संविधान से छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने वाले इस फैसले के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई। कर्नाटक की भिन्न भिन्न समितियों ने ये बुलंद आवाज उठाई कि महाराष्ट्र किस प्रकार 865 गांव कर्नाटक के ले सकता है जोर जबरदस्ती से। उसके 3 दिन बाद बसवराज बोम्मई जागे हैं, वो अक्सर बहुत देर से जागते हैं, अब ये भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका बन गया है। ये एक संवैधानिक संकट है जिस पर एक बार फिर अमित शाह जी आंख मूंदे बैठे हैं, और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए जिस प्रकार से वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, बाउंड्रीज है स्टेट्स की, उनसे जबरन छेड़छाड़ कर रही है। कि हेमंतो बिस्व शर्मा को कर्नाटक में चिड़िया भी जानती नहीं, वो अमित शाह की भूमिका अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने प्रायोजित कार्यक्रम करवाते हैं। ना उन्हें कोई सुनने आता, ना उन्हें कोई जानता, ना उनकी वहाँ कोई हैसियत। जब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो होता है, वो हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, उनकी किसी बात का संज्ञान मत लीजिए। वो केवल कुछ पब्लिसिटी ले रहे हैं क्योंकि वो अगले अमित शाह बनना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि मौजूदा अमित शाह ही अब फेल हो चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कब से अपने बड़े चेहरों को उतारने वाली है और किस तरीके से कैंपेनिंग रहेगी? 20 तारीख को श्री राहुल गांधी एक युवा क्रांति रैली को संबोधित करेंगे। आदरणीय खड़गे साहब उसमें राहुल जी के साथ मुख्य अतिथि होंगे, और हमने कर्नाटक के युवाओं के लिए कांग्रेस की अगली गारंटी उस युवा क्रांति रैली के माध्यम से लाएंगे, क्योंकि युवा के भविष्य को, कर्नाटक के युवाओं के भविष्य को मंडी में बोली लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया है। वो पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट स्कैम हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट स्कैम हो, वो इंजीनियर रिक्रूटमेंट स्कैम हो, वो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन रिक्रूटमेंट स्कैम हो, एक के बाद नौकरियां बेची जा रही हैं और 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। ब्रांड कर्नाटका को टार्निश कर दिया भाजपा ने, वो ब्रांड कर्नाटका पर भाजपा एक श्राप बन गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।